मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे शहरीकरण और ब्रिटिश साम्राज्य और शहरीकरण। इसमें हम लोग ये जान रहे थे कि किस प्रकार ब्रिटिश के राज में अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों ने किस तरह से नए शहरों का निर्माण किया और अपने औपनिवेशिक काल में यानी अपने शासन काल में किस तरह से नए नए शहर बताए और कितने भी हमारे जो शहर थे छोटे छोटे शहरों के रूप में जो जाने जाते थे उस समय उन शहरों का पतन भी हुआ और उसकी जगह पर नए नए शहरों का निर्माण हुआ। इसको हमने पिछले वीडियो में भी देखा। शहरों में जैसे जैसे शहरों का निर्माण होता गया उसमें जो मध्यम वर्गीय लोग थे जैसे वकील डॉक्टर इंजीनियर इन सारे लोगों की मांग बढ़ने लगी और इन सारे लोगों की मांग बढ़ने के कारण गांवों से निकलकर लोग शहरों की तरफ आने लगे यानी बहुत अधिक संख्या में लोग शहरों की तरफ आकर्षित होने लगे शहरों की तरफ लोग आने लगे और शहरों में भीड़ बढ़ती चली गई। उसके बाद टाउन हॉल सार्वजनिक पार्क रंगशाला सिनेमा घर यदि इन जब चीजों का विकास किया गया तो लोगों को एक सार्वजनिक स्तर पर मिलने जुलने का अवसर मिलने लगा घर से बाहर मिलने जुलने का एक अवसर प्रदान हुआ। उसके बाद महिलाएं भी पहली बार घर की चहारदीवारी से निकलकर एक जगह मिल सकती थी तो उनकी संख्या भी इसमें उस कारण बढ़ने लगी शहरों में। उसके बाद शहरों में जो औद्योगिक कारण से शहरों का जो निर्माण हुआ था उसमें आपको धीरे धीरे हर तरह के कर्मचारी हो इंजीनियर हो नौकरानी हो कलाकार हो फिल्म करा इन चीजों से लेकर महिलाओं की भी भागीदारी इसमें काफी बढ़ने लगी और महिलाओं को भी इस तरफ आकर्षित हुआ शहरों में और महिलाएं काफी संख्या में इस तरफ आने लगी शहरों में विकास आने लगी। और अगर शहरों में देखा जाए तो हर प्रकार के कामों की चाहिए थी हर प्रकार के कारीगरों की जरूरत थी हर प्रकार के कामगारों की जरूरत थी जिसमें एक नौकरानी से लेके खाने बनाने वाला से लेके हर प्रकार के लोगों की जरूरत थी तो उसमें महिला हो या पुरुष हो दोनों को उस तरफ आकर्षित होने लगे और वो सारे लोग शहरों की तरफ भागने लगे और इस तरह शहरों में भीड़ बढ़ने लगी और शहर का रूप एक नया रूप लेता वो चला गया। अब इसका अगला टॉपिक है अतीत के आईने में भागलपुर शहर। बिहार का भागलपुर शहर आपको गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है जो लगभग 3000 साल से अपना अस्तित्व बनाया हुआ है अपनी पहचान बनाया हुआ है कितना 3000 साल से अपने अस्तित्व में है और वो अपना जलवा दिखाता है या अपना अस्तित्व वो बनाए रखा है। वो एक व्यवसायिक कहें या सांस्कृतिक कहें ये दोनों नामों से भागलपुर शहर को जाना जाता था व्यवसायिक या सांस्कृतिक क्योंकि यहाँ पर भागलपुर शहर में कई ऐसे बुनकर थे कई ऐसे छोटे छोटे लोग इसमें कामगार थे जो बहुत ही बढ़िया किस्म के वस्तुओं का निर्माण करते थे तो यहाँ पर विदेश से भी और देश से भी कभी लोग शरीर लोग यहाँ पर व्यवसाय के लिए आते थे बिजनेस के लिए आते थे और जब वो आते थे तो उनके लिए यहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र की भी स्थापना की गई थी जगह जगह नृत्य शालाएँ थी या और भी संगीत के कई सारे ऐसे चीज थे जो वहाँ पर स्थापित की गई थी। और ये आपको अंग देश जो था उसी की राजधानी चंपा से सटा था लेकिन यह चंपा नगर इसका कालांतर में नाम चंपा नगर हुआ और बाद में ये भागलपुर का मुख्य शहर के केंद्र के रूप में आपको विकसित हुआ यानी जो चंपा नगर भागलपुर शहर में है उस भागलपुर शहर का सबसे मुख्य केंद्र चंपा नगर है जो आपको अंग देश से सटा हुआ था। 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी पर इस क्षेत्र पर मुसलमानों का शासन था क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था तो इसलिए इस क्षेत्र में भी मुसलमानों का शासन था। इस दौर में भागलपुर सूफी संस्कृति का प्रमुख केंद्र हुआ करता था सूफी लोग यहाँ पर आते थे और ये सूफी लोगों का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ दर्जनों मस्जिद दरगाह मजार खानगाह ईदगाह और इमामबाड़े थे यानी इस तरह की चीजें वहां पर काफी विकसित की गई थी और ये आज कल अगर आप भागलपुर शहर घूमने जाएंगे तो ये चीज सारे आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो भागलपुर जो शहर था
वह घने मोहल्लों और बाजारों से घिरा हुआ था, यानी वहाँ पर घने मोहल्ले हैं जहाँ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यवसायिक चीजों को वहाँ पर देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे मोहल्ले हैं जिस मोहल्लों में घूमने पर आपको वो चीजें सांस्कृतिक चीजों को हम देख सकते हैं, जहाँ पर सारी नृत्य गीत मनोरंजन के सारे साधन वहाँ पर भागलपुर में मौजूद हैं। तो इस तरह से भागलपुर शहर में वो काफी विकसित था व्यवसायिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में। तो भागलपुर शहर के बारे में हम लोगों ने जाना, अगले वीडियो में हम और भी इसके बारे में जानेंगे समझेंगे भागलपुर शहर के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।